गर्मी के मौसम में आप लोग आइए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए तशरीफ लाए हैं, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुख्तसर है और टू द पॉइंट एक ही इशू पर है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है और सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करवाने का अप्रूवल लेने के बाद उसको नोटिफाई कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के बाद ये रिकमेंडेशन जो है एक फाइनलिटी अचीव कर लेती है। इसके बाद इसको कोर्ट में भी चैलेंज करना हो तो उसका कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। तो ये चूंकि फाइनल हो चुकी है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, तो हम डिलिमिटेशन कमीशन के उस हिस्से को, उस पार्ट को वेलकम करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने पीओजेके के रिफ्यूजीज की नॉमिनेशन के बारे में रिकमेंड किया है और साथ में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी उन्होंने दो सीट्स रिकमेंड करने के लिए प्रावधान उसमें रखा है। ये चीज जो भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट को चूंकि नोटिफाई कर दिया है तो हम इसको वेलकम करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने पूरी बनाई है, बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हैं क्या नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टीज जाने, लेकिन हम चूंकि जितने सिख समाज जो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो है वो सब पीओके के रिफ्यूजीज हैं, हम इसको दिल से वेलकम करते हैं और भारत सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार, जो मौजूदा भारत सरकार है, वो हमेशा पीओके को लेकर प्रोएक्टिव रही है, उनकी पॉलिसी बड़ी प्रोएक्टिव रही है। तो हम इनसे ये अपेक्षा, ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो 24 सीटें कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व की गई हैं, जो कि बाद में अभी अमेंड भी किया इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में कन्वर्ट किया है साथ में और 370 रिमूव किया है, उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उन्होंने 24 सीटें जो हैं पीओके के खाते में हमारी असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में रिजर्व रखी हुई हैं। हम ये उम्मीद करते हैं भारतीय सरकार से और ये मांग भी करते हैं पुरजोर कि उसमें 24 में से 50% सीटें, 12 सीटें कम अज कम जो हैं वो डी फ्रीज की जानी चाहिए, ताकि अब जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो तो बाई वे ऑफ नॉमिनेशन पीओजेके के रिफ्यूजीज को उसमें रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट होनी चाहिए। 50% ऑफ द 24 सीट्स रिजर्व फॉर पीओके ऑन बिहाफ ऑफ पीओके इन द जेएंडके लेजिस्लेचर। तो साथ में हम उनसे जो दूसरी मांग कर रहे हैं वो ये है कि ये जो सीट्स पीओजेके के खाते में रिजर्व की जाएंगी और नॉमिनेशन के खाते में रखी जाएंगी, क्योंकि इस सरकार के मौजूदा यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टाइम टू टाइम तकरीरें भी ये करते रहे हैं कि हमें ये रिजर्वेशन जो है देनी है इनको, तो हम ये मांग करते हैं कि जितने लोग पीओजेके के वहां से आए हैं माइग्रेट करके, उसमें यह देखा जाए कि उसमें किस किस वर्ग से तलक रखने वाले लोगों की परसेंटेज क्या है और किस किस इलाके से हैं। ये ना हो कि एक ही इलाके को सारी रिप्रेजेंटेशन हो और बाकी इलाके जो हैं कि ये सब पीओजेके हैं वो ना हो, उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए आबादी के लिहाज से, कितनी परसेंटेज किस वर्ग से तलक रखने वाले लोग रिफ्यूजी बन के आए हैं और किस किस इलाके से हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ
ये नॉमिनेशंस जो हैं पीओजेके की ये की जानी चाहिए। इसके अलावा हम क्योंकि वेलकम कर रहे हैं जो इन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दो सीट्स की रिकमेंडेशन की है इलेक्शन कमीशन ने, तो हम ये मांग करते हैं कि उन दो में से वो दो की दो सीटें जो हैं वो जो भी कश्मीर से माइग्रेंट हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई हैं, चाहे वो सिख हैं या किसी और वर्ग से तलक रखने वाले हैं, जो वहां से माइग्रेट हुए हैं और जिनका रिकॉर्ड माइग्रेशन का यहां मौजूद है, वो किसी भी धर्म से किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले हों, ये नॉमिनेशन उन सब को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए। ये सिर्फ सिख माइग्रेंट्स को मिल जाए या पंडित माइग्रेंट्स को मिल जाए या मुस्लिम माइग्रेंट्स को मिल जाए या पहाड़ी माइग्रेंट्स को मिल जाए, उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इसकी भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और साथ में क्योंकि पीओजेके के मसले पे एक कल संकल्प दिवस जो हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में भी हम इस कोशिश की सराहना करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये सिर्फ संकल्प दिवस और श्रद्धांजलि तक सीमित ना रहे, बल्कि इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि पीओजेके के रिफ्यूजीज की परमानेंट सेटलमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये दोनों मसले हल होने चाहिए। और परमानेंट सेटलमेंट कैसे हो कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसने यहाँ दौरा करके बड़ी एग्जॉस्टिव एक रिपोर्ट बनाई थी जिसको रेजोल्यूशन नंबर 183 कहा जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी का, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक जो रिकमेंडेशंस की गई हैं, चाहे वो मुआवजे की हैं, चाहे वो जमीनों की हैं, चाहे वो क्लेम रजिस्टर करने की हैं, चाहे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हैं, वो उस रेजोल्यूशन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हुए आप सबका केजरी माध्यम से मीडिया आज फोर्थ स्टेट जो है ये सबसे बड़ा पावरफुल टूल है हमारी डेमोक्रेसी का, हम आपकी मदद चाहते हैं, आपके जरिए ये अपील अपनी और अपनी मांग जो है ये यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी इन मांगों पे हम दर्दाना गौर करते हुए इन पे अमल पैरा हुआ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो मोस्ट वेलकम, हम बात करेंगे।